बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की चौथी लिस्ट भी आज जारी कर दी है। इस लिस्ट में छठे और सातवें चरण का चुनाव लड़ने वाले 101 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और बाकी की बची दो सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। दरअसल मायावती की ओर से जारी की गई चौथी लिस्ट में पार्टी ने पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे को पनियारा से और पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे को पूर्व मंत्री तिवारी की परंपरागत सीट चिल्लूपार से प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी 300 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। अब पार्टी की केवल दो सीटों का ऐलान होना बाकी रह गया है। बताया जा रहा है कि सोनभद्र में आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद ही बाकी की दो सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। पिछली तीन लिस्टों के मुकाबले इस लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम है। इसमें कुल 9 मुस्लिम उम्मीदवार हैं जबकि तीसरी लिस्ट में 27 प्रत्याशी थे। इसके साथ ही इस लिस्ट में 20 दलित उम्मीदवार हैं। जानकारों की माने तो इस बार मायावती ने टिकट बांटने में सामाजिक समीकरणों का खास ख्याल रखा है और बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि इस बार उन्होंने दलित उम्मीदवारों को पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में कम सीटें दी हैं। इस दौरान मायावती अपने विरोधियों और सपा पर निशाना साधने से भी नहीं चूकी। सपा में जारी कलह पर मायावती ने कहा कि सपा के दोनों ही खेमों को वोट देकर जनता को अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे बीजेपी को फायदा होगा। मुसलमानों का एकजुट वोट किसी भी सियासी समीकरण को बना और बिगाड़ सकता है। ऐसे में देखना बाकी है कि उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती का दलित मुस्लिम समीकरण क्या रंग लाता है। देखते रहिए डीबी लाइव।